राजस्थान राज्य की राजधानी और भारत देश का गौरव जयपुर शहर। गुलाबी रंग में रंगे इस शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहां पर देशी विदेशी सैलानियों का जमघट लगा रहता है। इस खूबसूरत नगरी में कुछ खास लोगों से मिलने हमारी टीम भी यहां आ पहुंची। वे खास लोग इस बार के टेलीविजन एपिसोड के केंद्र बिंदु थे। जयपुर शहर के ही रहने वाले श्री अमित धवन जी और श्री इंदरराज भादू जी, इन दोनों ने बालों के झड़ जाने पर अलग अलग जगह पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। बदकिस्मती से इनका हेयर ट्रांसप्लांट गलत हो गया और इसके चलते चेहरा सुंदर लगने के बजाय बुरा लगने लगा। आज दोनों ही उस बीते हुए पल को याद करके सहम उठते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक खास तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसे करवाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मैसेज इज वेरी श्योर एंड वेरी करेक्ट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द सर्जन, वेदर ही इज अ प्लास्टिक सर्जन और नॉट। सेकेंडली, लुक फॉर हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, हाउ मेनी केसेस ही हैज डन बिफोर, व्हाट वर द प्रीवियस रिजल्ट्स। So go and search for the reviews from the previous patients. Go and search for the directly to the patients. Ask to the doctor, doctor, how many cases you have done? Can I have a list of few patients which you have operated before? Can I talk to them? Can I see them? Can I see the effects? Can I see the scars? Can I see the growth? Is it natural? Is it dense? So directly go for the evidence. Evidence is seeing by yourself, not hearing, not seeing the photographs. So my opinion is, see the degree, see the qualification, see the experience, see the actual patient results, then you decide about the transplant, which surgeons to be go. इंदराज जी और अमित जी के अलावा हमारी मुलाकात एक और सज्जन से हुई। ये बेचारे भी रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के शिकार थे। इन्होंने अपना चेहरा तो दिखाना मुनासिब नहीं समझा, पर हाँ, अपना संदेश हमारे माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाया। रिसर्च करो पूरा तरीके से, आप अपना प्रॉपर टाइम दो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि नॉट ओनली योर मनी, आप सिर्फ मनी नहीं स्पेंड कर रहे हैं, एक्चुअली आप अपना पूरा एक दो साल बर्बाद हो जाएंगे अगर आपका गलत हेयर ट्रांसप्लांट होगा किसी भी तरह से। डॉक्टर सुनीत सोनी को इस रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट को ठीक करने में, यानी रिविजन हेयर ट्रांसप्लांट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। We have to camouflage with other hairs, so I will require more number of hair to transplant. Secondly, the back side in FUE was totally devastated. There were multiple small holes, multiple scars. So to harvest a strip, there was a difficult case. Total number of hair which can be harvested were difficult. So I have taken a precise decision to make to extract maximum number of hair with minimal transaction rate, so that we can harvest more number of hair in front and more implantation in front, plus giving proper natural direction, a high density transplant with the proper angulation and direction of each and every hair, so that the patient should look very natural when the hair will grow up. So ultimate aim of my transplant to give a proper face to the patient, a younger look and a natural looking hairline as well as density and pattern. डॉक्टर फैटेंटी में फेथ भी जग रहा है ना इससे, क्योंकि आजकल इतना कमर्शलाइज है ना, तो थिंग्स आर नॉट गुड। ये डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं होगा कि हम आपको कितनी बारी प्रेज करते हैं दिन के। आज अमित जी और इंदरराज जी का मानना है कि डॉक्टर सुनीत सोनी की वजह से ही उनकी खुशियां उन्हें वापस नसीब हुई हैं। रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव हेयर लॉस, रॉन्ग हेयरलाइन डिजाइन, रॉन्ग एंगुलर स्लिट, रॉन्ग ट्रांसप्लांटेशन वगैरह वगैरह। पर डॉक्टर तो वही है ना जो आपको समझे, आपको सही रास्ता दिखाए, आपका हौसला अफजाई करे और आपकी बीमारी को दूर करके आपकी खुशियां आपको लौटाने में मदद करे।
How's the things? You had your breakfast? Good. Yeah. You took the tablets, analgesics, painkillers? All tablets. What about the sleep? You had a nice sleep at night? Just like home. Any pain, any discomfort? Nothing. No. Can I see the things? Yes. Wow, it's looking great. So this much area is almost covered. You'll be having very good results in the frontal area. And maybe a scarless suturing in back side won't give any side effects in the back. Okay, what do you think? This density is good? Density is very good. I'm very happy with the things that it will come out very good. You'll be looking very handsome after 10 months. This is all your miracle. So far you're comfortable? Any discomfort? Just like home. डॉक्टर सुनील सोनी की काबिलियत को विश्वभर में सराहा गया और स्पेन विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर की पदवी से नवाजा गया। उनकी इस सफलता पर हम भारतीयों को गर्व है। आज मेरी भी खुशकिस्मती है कि लाइफ ऑफ रिकवरी के माध्यम से मैं डॉक्टर सुनील सोनी साहब के साथ मिल रहा हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फील्ड में। आज आप जयपुर में बैठे हुए हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो that you have been practicing at such an early age. Actually you have been doing it, you are not even 45, much lesser than 45. How many transfers we have done as on date? Till date maybe around 1500 plus, 1500 se zyada kareeb hum log ye transplant kar chuke hain. Now one small consent I will take it from the doctor, Mr. Viren Saxena, hamare Viru bhai sahab ke liye, Aloknath sahab ke liye, Shivaji sahab ke liye, Vipin Sharma ji ke liye, jo hamare Bollywood ke bade naami gaami artist hain. Doctor sir, they have gone through the surgery, but you know they are not very satisfied. So, in case if they want to come and meet you, so will you have the time? Definitely, my specialization is in corrective hair transplant. You might have seen my presentations. Lot of patients who have been revision transplant done by me. So, revision transplant is a very very difficult surgery because the donor is depleted. The area where we have to transplant is always already messed up. So, we have to sometimes extract the transplanted hair. We have to very precise in extracting the hair from the donor side. But definitely, yes, I have treated lot of patients with revision transplant. So, yes, they can come to me and consult, and definitely I can give a good sure solution to their problem to give them a better look, a presentable and a handsome look. ना अब मैं वीरू भाई से पूछना चाहूँगा, वीरू भाई से वुड लाइक टू कम हियर, आप आना चाहेंगे और अपना वो जो पैच है आपका ठीक कराने के लिए? जरूर दबन, मैं फुर्सत मिलते ही सबसे पहले डॉक्टर सुनील सोनी से आकर के उनके मेडिस्पा में मिलूंगा और अपना रिवीजन ट्रांसप्लांट कराऊंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। विपिन शर्मा जी, आपने तो कहा था कि आपके पूरे बाल नहीं लगे हैं ना, डॉक्टर से मिलेंगे मेरे रिकमेंडेशन पर? हाय तपन, थैंक्स। यस, इट विल बी अ प्लेजर टू मीट डॉक्टर सुनीत एट मेडिस्पा, सो कम टू बॉम्बे, सिट डाउन विद मी एंड वी विल चैट इन डिटेल्स अबाउट इट। शिवाजी सर नमस्कार, आज आपकी बड़ी याद आ रही है क्योंकि आप भी कुछ अपसेट थे। मैं चाहूंगा आप भी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें और अपने इस प्रॉब्लम का निदान करें जो आपको अभी लग रहा है ना, कुछ और डेंस ग्रोथ के लिए। हाय तपन दा, यार मुझे घने बाल चाहिए, अभी जो है ना इससे भी घने, और इसके लिए जब भी मुझे वक्त मिलेगा ना मैं आके डॉक्टर सुनीत सोनी से मिलूंगा मेरी स्पा में। डॉक्टर साहब, आई विल टेक योर परमिशन नाउ। थैंक्स अ लॉट। आई एम ऑब्लाइज्ड एंड वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड। थैंक यू। थैंक यू।